हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम जो फ्लावर की बात कर रहे हैं वो फ्लॉक्स का फ्लावर है। बहुत ही प्यारा फ्लावर है और ये स्प्रिंग गार्डन का एक बेहतरीन फ्लावर है। तो ये गुच्छों में खिलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके बहुत सारे कलर होते हैं, और ये आपको टॉल एंड शॉर्ट दोनों वैरायटी में मिल जाएंगे। और इसके फ्लावर काफ़ी सेंटेड होते हैं और ढेर सारे कलर भी आपको इसके मिल जाएंगे। और इस प्लांट को आप सैपलिंग से, सीडलिंग से और दोनों से लगा सकते हैं। और नवंबर में लगाएंगे तो ये आपको स्प्रिंग सीजन में ढेर सारे फूल आपको देंगे। और फ्रेंड्स, आइए इनकी कुछ बातें कर लेते हैं। तो अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इसको फर्टिलाइज़र चाहिए। बहुत फर्टिलाइज़र इसकी सॉइल में आप अच्छी तरह से इसको बनाइए। इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें एक भाग आप सॉइल ले लें, एक भाग कंपोस्ट ले लें और एक भाग सैंड ले लें। तीनों को मिला के बहुत अच्छी तरह से इसकी सॉइल बना लें। और फ्रेंड्स, इसको हर वीक में आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, क्योंकि ये गुच्छों में खिलते हैं, काफ़ी अच्छे से खिलते हैं, सेंटेड फ्लावर होते हैं और इनको फर्टिलाइज़र की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इसको हर वीक में दें। और जहाँ तक रहे इसकी वाटरिंग की बात, तो आप इसको ना ही अंडर वाटरिंग करें और ना ओवर वाटरिंग करें, ये दोनों में आपके ख़राब हो सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसको 6 से 8 इंच के गमले में आराम से लगा सकते हैं। ये 6 से 8 इंच के तक के गमले में आराम से चलेंगे और ढेर सारे आपको फूल देंगे, गुच्छों में फूल देते हैं। और बस आपको इसको ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। और बस इसके स्पेन फ्लावर जो होते हैं ना, उसको आप हमेशा हटाते रहिए। और फ्रेंड्स, इसको सेमी शेड में रखिए और सेमी शेड में इसको आप 6 से 8 घंटे की अच्छी तरह से इसको धूप दीजिए। तो इसमें आपको गुच्छों में फूल आएंगे। देखिए मेरे फूल कितने हेल्दी हैं। और पूरा स्प्रिंग सीजन आप इसका लुफ्त उठाते रहिए। और फ्रेंड्स, इसमें डिजीज़ भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, नीम ऑयल का 15 दिन में आप इस स्प्रे इसमें ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ी डिजीज़ इसमें की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें लगने की। और काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है और आपको बहुत ही, मतलब अच्छा, आपकी जो बगिया होगी ना, उसमें जब भी आप जाओगे तो आपको खूब अच्छी, मतलब परफ्यूम जो होता है ना, उस टाइप की खूब अच्छी सेंटेड फ्लावर मिलेगी। बहुत ही गुच्छों में खिलते हैं। मैं इसको लगाई हूँ और आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ फ्लावर है। ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, किसी भी रीज़न से मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।